नमस्कार, मैं हृतिका शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। रामपुर शहर सीट से विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को एक बार फिर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजम खां 4 महीने में दूसरी बार इस अस्पताल में पहुंचे हैं। इससे पहले मई में उन्हें वहां भर्ती कराया गया था। हालांकि इस बार उन्हें दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन्हें भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आजम खां की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि आजम खां को सांस संबंधी बीमारी लंबे समय से चल रही थी। पिछले महीने उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब उन्हें निमोनिया हुआ था और सांस लेने में परेशानी हो रही थी और कई दिन अस्पताल में रहने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। बीते साल जेल में जब वो कोरोना संक्रमित हुए थे, तब भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी विधायक आजम खां की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। उन्हें सांस लेने में हो रही परेशानी के बाद दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टरों ने आजम खां के दिल की एजियोप्लास्टी सर्जरी कर हार्ट में एक स्टंट डाला है और डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल वे किसी भी खतरे से बाहर हैं और उनका हृदय भी ठीक से काम कर रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि आजम खां की तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टरों ने अभी उन्हें अपनी निगरानी में आईसीयू में रखा है। आजम खां के करीबियों के मुताबिक उन्हें 2 दिन पहले अचानक पसीने आए और सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई थी। इसी साल मई महीने में भी करीब 2.5 साल बाद जेल से छूटने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी, तब भी उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जेल से छूटने के बाद ही आजम खां ने कहा था कि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। विधायक आजम खां 20 मई को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। उन पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जा समेत चोरी, डकैती और अन्य धाराओं में 90 से ज्यादा अभियोग पंजीकृत हैं। 27 महीने सीतापुर जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर बाहर आए थे। आजम खां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वह 10वीं बार विधायक बने हैं। आजम खां ने इस बार विधानसभा का चुनाव जेल में रहते हुए लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आजम खां 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सांसद बने थे। वहीं आजम खां की देखभाल के लिए उनके साथ अस्पताल में उनके बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम मौजूद हैं। आजम खां की पत्नी पूर्व सांसद डॉक्टर तजीन फातिमा और बड़े बेटे अदिब आजम भी दिल्ली में ही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध है। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।